और कितने लखीमपुर। पहले खबर की ओर रुख कर लेते हैं क्योंकि भोपाल में दुर्गा विसर्जन समारोह में जुटे लोगों की एक भीड़ पर एक कार ने उनको कुचल दिया है और ये घटना लखीमपुर जैसी ही है, इसीलिए पूछा गया है कि आखिर और कितने लखीमपुर। आपको बता दें कि इस हादसे में एक बच्चा भी घायल हो गया है। घटना भोपाल रेलवे स्टेशन के समीप बजरिया तिराहे के करीब की है। जानकारी के मुताबिक भोपाल के रेलवे स्टेशन के पास बजरिया तिराहे पर शनिवार और रविवार की रात दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन होना था। दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए कार्यक्रम में काफी भीड़ जुटी हुई थी। समारोह चल ही रहा था कि एक कार अचानक से भीड़ के बीच में घुस गई और इसी बीच तेज रफ्तार से कार के चालक ने गाड़ी को रिवर्स लिया और इस दौरान एक बच्चा कार के पहिए के नीचे आ गया। कार के पहिए के नीचे आया बच्चा घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने बच्चे को आनन फानन में उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया और उसका उपचार हुआ। चिकित्सकों ने बच्चों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है और वीडियो में एक कार रिवर्स होते दिखाई दे रही है। वीडियो में नजर आ रहा है कि कार में 2 से 3 लोग सवार हैं। हादसे को भोपाल पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस कार का नंबर निकालने के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के पथलगांव में भी दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे लोगों को कार ने कुचला था और इस हादसे में एक की मौत हो गई थी जबकि करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। और इससे पहले लखीमपुर जैसी ये जो वारदात है यही इन दोनों राज्यों में हुई, क्योंकि लखीमपुर में भी किसानों को एक कार ने कुचल दिया था। तो लखीमपुर जैसी वारदात एक बार फिर से पहले छत्तीसगढ़ में और अब भोपाल में देखने को मिली है। लगातार इस तरीके की वारदात सामने आ रही है। एक के बाद इन वारदातों ने जनता को पूरे तरीके से त्रस्त कर दिया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी दुर्गा विसर्जन के लिए लोग वहां पर मौजूद थे, भीड़ मौजूद थी, जिन पर एक गाड़ी ने उनको कुचल दिया, उन पर गाड़ी चढ़ाई गई और उसके बाद वो कार चालक मौके से फरार हो गया। और ऐसा ही कुछ जो सिलसिला है वो यहाँ भोपाल में भी देखने को मिला। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे लोगों पर एक शख्स ने गाड़ी चढ़ा दी और उसके बाद एक बच्चे की मौके पर ही वो घायल हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता गणेश तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गणेश, फिलहाल किस तरीके की स्थितियां भोपाल में है, क्योंकि लखीमपुर में ये हादसा हुआ, उसके बाद छत्तीसगढ़ और अब भोपाल, लगातार इसीलिए सवाल उठ रहा है कि आखिर और कितने लखीमपुर। देखिए मुस्कान, सबसे पहले अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के भोपाल में अगर बात करें तो जहां पर प्रतिमा विसर्जन के दौरान जो है एक घटना सामने आई है जहां पर बेहद ही हालांकि दर्दनाक घटना सामने आई है। और प्रतिमा विसर्जन के दौरान जो है वहां पर जो है तेज रफ्तार से एक कार ने जो है जो विसर्जन में जुलूस निकल रहा था और वहां पर कई लोग शामिल हो रहे थे, वहां पर 4 लोगों को टक्कर मार दी। हालांकि इस हादसे में एक की जो है हालत गंभीर हुई थी और जिसकी अभी मृत्यु भी बताई जा रही है। और वीडियो में भी देखा गया कि साफ तौर पर देखा गया है कि आरोपी जो है कार ड्राइवर जो है बेहद तेज रफ्तार से जो है रिवर्स करते हुए कार चला रहा था, जिसमें जो है इसकी चपेट में कई लोग सामने आ गए थे और जो कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक जुलूस निकल रहा था और जुलूस करते वक्त लोगों को जो है ये कार चालक ने जो है तेज रफ्तार से कार चालक जो थी उसने टक्कर मारी थी, जिसमें 4 लोगों को टक्कर हालांकि मारी गई थी, जिसमें से कि जो 3-4 लोग थे वो घायल भी थे, जिसमें से एक की अभी मृत्यु भी बताई गई है। जी मुस्कान। गणेश, फिलहाल किस तरीके के हालात ये जो देखने को मिले हैं, इस पर प्रशासन का क्या रुख है, किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है इस पर? इस पर अब जो अगर बात करें तो उस पर जो जिस व्यक्ति से कार चालक था उसे हालांकि जहां तक गिरफ्तार करने की भी खबरें सामने आ रही हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि गैर इरादतन का जो मामला है, एक तरह से ये गैर इरादतन मामला है जहां पर जुलूस में इस तरह से तेज लापरवाही से कार चालक ने जो है टक्कर मारी है और जिसकी वजह से ये बड़ी घटना जो है सामने आई है, क्योंकि ये घटना कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ भी ऐसी घटना सामने आई थी। तो लखीमपुर के मुद्दे पर जिस तरीके से लखीमपुर के साथ साथ आगे अब भोपाल में भी ये मामला शुरू हुआ, इसी तरीके का दुर्गा विसर्जन में समारोह में एक कार दौड़ी और जिसने वहां पर कई लोगों को घायल कर दिया, इसी पर जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता गणेश जुड़े हुए हैं। गणेश, फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई इस मामले में कहां तक पहुंची? संपर्क हमारा टूट गया है। बहुत शुक्रिया गणेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।